ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, ये अभी सुबह के कुछ बज रहे हैं 5-6 और हम बैठे हुए हैं, और एक सेकेंड यार मैं वो खोल दूँ, क्या कहते हैं, हाँ वो तुम्हारी खोल दूँ। अच्छा भाई, सीन ऐसा हुआ कि मेरे को पता चला है कि भाई किंग और बेला फिर से यमन कटीटा हो रहा है। अच्छा, स्टोरीज आई है बेला की तरफ से और वो हट गई हुई है। मैंने जब खोला तो ग्लोरी ऑफ गॉड गाना लगा हुआ था, और रिसेंटली मैं बेला को बहुत सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें खुले आम बोलता हूँ, नंगे आम बोलता हूँ कि बेला बहुत ही स्टिल अंडर रेटेड आर्टिस्ट है, और ऐसा टॉप नॉच काम दे रहा ना भाई, टॉप नॉच के मज़ा, मतलब तुम डिनाई ही नहीं कर सकते कि उसका काम कमाल किस्म का जा रहा है। एक तो सिकंदर कालो और एक बेला, ये दो इंडिया के आर्टिस्ट हैं जो इनको मैं इतना सुन रहा हूँ ना इस बार कि बस बस तोबा मेरी तोबा वाला सीन है। तो भाई हमने एक मीम पेज है, मुझे किसी ने भेजा और वो मैंने खोल के देखा। तो भाई हम पहले तो बोल दें कि अमीर हम चचा ने ये इसका ये ब्रो, मैं इसको इससे मेरी बात हुई है कभी, हाँ तो ये इनका भाई। और मैं क्योंकि ज़्यादा व्यूज जब चोरी करता हूँ ना, जिनसे करता हूँ उनसे मैं मेजोरिटी एक दफ़ा परमिशन ली हुई है एक ही दफ़ा कि मैं आपके, तो अगला बंदा कहे कि हाँ भाई किधर आया तेरा स्टेशन है, तो भाई एमिनम चचा को फॉलो करो भाई। अच्छा भाई है भाई, बात ऐसी है कि दोनों मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन बेला ने ऐसा क्या बोल दिया और क्यों एक दफ़ा फिर से कॉन्ट्रोवर्सीज में घुस रहा है बेला, देखते हैं बाबा और चेक करते हैं कि ये क्या सीन है। तो हाँ, मेरे आगे एक पोस्ट आई और मैंने कहा ये सारों के साथ मिल के पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या टीटो पार्टी लगाई है ब्रो। तो तेरी मैनेजमेंट क्या आके मेरे को बोल दिया, बेला तू किंग्स से गांड फॉर आर्टिस्ट है, अबे तेरे को तेरे होमी लोग सगा नहीं मान रहे ब्रो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होता है पावर ऑफ म्यूजिक, सच्चा इंसान बन जा, इसका लेना देना क्या है इस चीज़ से। अगली खोलो बाबा, रिकॉर्डर, ओ एक सेकेंड ब्रो, अब गलती होगी भाई, गलती, मैं गरीब हूँ, मैं सॉरी सर। तो भाई अगली और किंग का गाना कब है भाई? कभी नहीं हो सकता वो तो भाई, नहीं उसका शॉर्ट हो गया ना भाई, कुछ खराब हुआ ही नहीं था। हाँ जो कुछ खराब हुआ ही नहीं था, बस मैं ऐसा मानूंगा कि समय के साथ साथ देखो वो भी अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मेंटली या लिरिकली या जो भी है, मैं भी अपनी जगह पे बढ़ रहा हूँ। वो चीजें ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुख ले चुकी हैं, अलग अलग मोड़ पे जा चुकी हैं। मेरा शायद गोल अलग है, उसका शायद गोल अलग है। मैं पास कोलैबोरेशन से यही सीखा कि मुझे बहुत वो होना चाहिए कि मैं कोलैबो क्यों करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जवाब बहुत जरूरी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, है ना। अच्छा, करनी है वो बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आपसे। हाँ, तो वही ना जैसे कि मैं आपको क्यों सुनूं, तो मेरा क्वेश्चन ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कोलैब, तो वही सारी चीजें है ना। जो भी अपना करना चाह रहा है काम अपना अच्छे से करे और समझे चीजों को अपना बढ़िया तरीके से करे। बाकी बेला हाँ और किंग का हाँ एक तो ये राज जोन्स का कुछ करना पड़ेगा, इसका कोई हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये सोच के आता कि वैसी बंदा कोई ऐसा सवाल करे कि टीट मारा बच्चा हो जाए। ओए आगे है स्टोरी एक सीन, एक दो ओए आगे है एक सीन भाई। खैर मेरे को ना इसमें कोई इतनी चीज लगी नहीं कि बेला इतना गुस्सा कर गया। उसने बस ये जरूर बोला है थोड़ा एक के मेंटली भी बढ़ रहा है, ये टोन मार गया, लेकिन अगर इस चीज़ पर गुस्सा कर गया तो फिर चलो मान लेते हैं कि मेंटली उसको तंज करके चला गया कि हाँ भाई तो मेंटली भी बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि आजकल बेला का बहुत इसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन बेला हाँ का क्या सीन है, एक से अपना काम कर रहा हूँ बढ़िया से बिना बसर मचाए ब्रो, पहले चलो तुमने बहुत मचाई है बसर। खैर राज जॉन के इंटरव्यू पे मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा या नहीं, हाँ या ना मैं जवाब दे, मेरे आर्ट को डिफाइन मत कर, ऐसा गाना फेंक के मरूंगा। फेंक क्या होता है, फेंक होता है यार, एक तो हिंदी ये जो फेंक फेंक किया हुआ ना, फारा फारा मारूंगा क्लियर, खा जाऊंगा भसूल, ये हसल नहीं है याद रखियो। अब ये दिल्ली वाली चीज़ होती है, ये रखियो, अबे रखियो मेरा यहाँ, ये कराची के अंदर भी रहा है, अरे हद में। और ये वाली स्टोरी जरा गान फाड़ दी थोड़ी, ये मतलब ये लगा है, ये अंदर लगा है, अबे कितनी लगाई है किंग, तू सबसे फेक आर्टिस्ट है ब्रो,
मैं किसी के लिए कभी ऐसा नहीं बोलता ब्रो, अलहमदुलिल्लाह। तो पर माँ की कसम तू सबसे फेक आर्टिस्ट है ब्रो, अपनी गलती को लोगों के आगे मानना सीख। तू हसल इसलिए नहीं जीता क्योंकि तूने लड़कियों की ली नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलती पढ़ लिया, तो लड़कियों के बारे में गलत बोला। तू हसल इसीलिए नहीं जीता क्योंकि तेरी सांसें फूलकी हैं, तेरी सांसें तेरी सांसें फुलकी हैं, अबे पुल फुली तेरी सांसें फुलकी हैं। पता नहीं ब्रो ये फुलकी क्या होता है, मेरे को नहीं पता भाई, ये कोई नया लफ्ज आया दुनिया में। लेकिन यार मुझे एक चीज नहीं समझ आई, अबे आगे भी है स्टोरी में, ओपे और कितनी लगाई है। मैं तेरे को बीफ नहीं, मेरे को बीफ नहीं लेनी किसी से ब्रो, पर फैक्स फैक्स है, तू 2 साल से दबा रहा ब्रो, मैं चुप चुप चाव चाव देख रहा, चाव देख रहा ब्रो। ये क्या लिख रहा है भाई, तेरे को कुछ नहीं बोला, ये मेरे ख्याल से जज्बाती बनने में से लिखा है भाई। दोस्त मान के कभी मेरा इंटरव्यू देख रहा जोन्स वाला, तेरे बारे में, अबे आर्ट को अप्रिशिएट करना सीख, अच्छा इंसान बन ब्रो। मैं तेरे को दोस्त माना, तेरे को बोला कि किंग भाई मैं तेरे को डिस नहीं करूंगा हसल में, तू भोसड़ी के जबरदस्ती बोला कि क्या अब यार इसकी मेरे से प्रॉपर्टी, अच्छा कि नहीं बेला मुझे डिस कर, ये मुझे डालो मेरे, अच्छा बेला। और जब मैं किया तो शाना बन रहा, आगे से लाइन चिपका के भोसड़ी के गान फट रही थी, पहले ही मना कर देता। मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आ रही भाई, ये तो पिछली कहानियां खोल के बैठ गया। देखो भाई मैंने ना तो हसल शो वो देखा है और ना मैं कभी देखो कमर्शियल चीजें मैं नहीं देखता। ओब्वियसली मुझे दो शहजादे बंदे बेला और किंग दोनों वहां से ही मिले हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं देखता कमर्शियल चीजें, और ये मेरे टीवी लगता ही नहीं है भाई मेरे घर कभी, हम लोग गरीब लोग हैं, बताया नहीं मैं गरीब हूं। तो अब ये गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर ये किस चीज़ पे गुस्सा है मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर ये इस चीज़ पे गुस्सा है कि उसने जो मतलब मेंटली तौर पे ठीक हो, और ये तंज थोड़ा सा तंज किया है किंग ने, तो वो थोड़ा बहुत तो बेला जहरी बात है करेगा ही करेगा। लेकिन बेला को अगर मैं एज ए व्यूअर बोलूँ ब्रो, बेला इस वक्त बेस्ट लेवल पर जा रहा है, इस वक्त बेला बेस्ट लेवल पर जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कोई फैन मतलब फैन तो बन नहीं रहा हूँ, ओब्वियसली किंग तो खैर मुर्शिद है, लेकिन इस बंदे को चाहिए कि अपना ध्यान रखे इन चीजों में कि मैंने म्यूजिक देना, अच्छा और वो बेस्ट म्यूजिक दे रहा है ब्रो इंडिया के अंदर ना, मेरे ख्याल से एमिवे के बाद किंग, नहीं एमिवे किंग और मशहूर बड़े आर्टिस्ट कौन से हैं इनमें से जो अपने पल्ले से मतलब जिनके पीछे इतना बड़ा हाथ, मतलब डीनो जेम्स, डीनो जेम्स भी अक्सर कुछ मोशनल कर रहा होता है, लेकिन इन 3 4 में से बाद में अब ये बेला आया है, 250-80 करोड़ जितने भी वहां में उनमें से ये निकले, तो वो अपने अपने आप को ना इन चीजों में ना डाले। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी, अगेन एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं समझ सकता क्या हो, व्यूवरशिप कह रहा हूँ, व्यूवर के हिसाब से मुझे सिर्फ वो चीज लग रही है कि उसे तंज किया। यार इसकी कमेंट खोल के देखते हैं, कमेंट में क्या क्या बोला, इधर आओ इधर आ यार, मुझे नहीं लगता कि मतलब देखो यार मैं तुम्हें सही सही बात बताऊँ, अगर तुम मैं बोलूँ कि बेला जो है ना वो लिरिकली अच्छा आर्टिस्ट है, मैंने किंग को कभी बीफ करते हुए नहीं देखा, किंग बीफ आर्टिस्ट मुझे कहीं से भी नहीं लगता। किंग की गज़लें अच्छी हैं, वो जो नज़में जो भी लिखता है वो बहुत छूती हैं दिल को और बहुत इमोशनली टच करती हैं। मुझे लोलो पोपो वाले गाने नहीं पसंद आते, स्टिल मैं उस बंदे को ना मतलब इतना अप्रिशिएट करता हूँ जिसकी बात नहीं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता बेला को मैंने देखा हुआ एक प्रॉपर अच्छा डिस्ट्रैक्ट नहीं लेता है। अब मुझे नहीं पता डिस गेम में कौन अच्छा खेलता है क्या नहीं खेलता, मैंने ना इनके पीछे बीफ देखी हुई है। एनीवेज भाई इनके हम कमेंट तो पढ़े कि क्या लिखा हुआ है, लड़की नाम नहीं लूंगा अब ऑब्वियसली। बेला एज यूजुअल मेकिंग इट हार्ड क्लोज चूज आर्ट ओवर आर्टिस्ट, अच्छा बेला फार बेटर देन किंग एंड वी ऑल नो। हाँ भाई मुझे भी रिसेंटली ऐसे लग रहा है बेला
वे बेटर है भाई किंग से इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा किस्म का काम कर रहा है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, किंग की मुर्शद है भाई वो अपना शहजादा बंदा है, लेकिन हाँ इस वक्त बेला बहुत टॉप पे जा रहा है, मतलब उसका काम बोल रहा है, प्रो व्यूवरशिप ना देखो वो बना लेगा आने वाले 2 साल में, वो बड़ा आर्टिस्ट होगा जिस राज किंग व्यूअरशिप के हिसाब से, मैं गारंटी देता हूँ। हैंड्स प्रूफ राज जोन्स देसी, इसकी तो लेनी पड़ेगी ब्रो, इसकी तो लेनी पड़ेगी, राज जोन्स बड़ा आरामी है, ये बरवा हमेशा घर में निकल। अच्छा अब कल तक डिलीट कर देगा बेला वो ब्रोस ने अभी 15-20 मिनट में कर दी ब्रो स्टोरी, मैं 15-20 मिनट नहीं खैर घंटे बाद आया, घंटे बाद आया 3 घंटे बाद आया, मैंने देखी है अभी तो उसे हटा दी हुई है मेरे दोस्त ने, मेरे जो हुआ था खैर राज जोन्स डूइंग देयर बेस्ट जॉब टू क्रिएट बीफ ब्रो, उसका कोई कसूर नहीं है, नसीब उसके अच्छे हैं। आई डोंट थिंक किंग इज गोइंग टू रिएक्ट एज बीफ वे ब्रो, किंग बीफ रैपर नहीं है ब्रो, मुझे नहीं लगता किंग बीफ रैप कर सकता है, मैंने गेम देखा नहीं हुआ, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, बेला कर सकता है, बेला किंग और किंग की माँ की चूत तो मस्त, ये हरामी में हो गए यार, वाई डस ऑलवेज हैज टू बेला एंड यार ये तेरी अंग्रेजी मैं क्या बोलूँ इसको, सो ये मेंटली बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी आई एम वेयरिंग रंडी प्रूफ हेडफोन्स another day but same thing ठीक हो गया भाई। अच्छा कमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, अभी मैंने रात को इसे डाला ना, खैर मैं तुम्हें बता दिया ब्रो, मैंने अपना पर्सनल बता दिया, मुझे अगर बीफ हुआ तो बेस्ट बीफ होगा ब्रो, मुझे सीरियसली एमवी और कृष्णा के बीफ में खुदा जानता है मज़ा नहीं आ रहा, जिसे कहते हैं ना तरप हो अंदर से, मुझे सिर्फ जब भी मज़ा आया था जब मूफार और कृष्णा का बीफ हुआ था, अभी तक वो मज़ा आया था, या वो जो बीफ मैंने देखा ही नहीं बेसिकली, मतलब हमने व्यू चोर हम लोग थे नहीं उस टाइम, तो वो हुआ था एमवीवे और रफ्तार का, वो बहुत होगा, पर उसमें भी मैंने क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया था उस बीफ के अंदर, इतना शौक नहीं था, और तो वो भी मेरे लिए कृष्णा और मुफर का इनका हुआ अगर उसके बाद तो बेस्ट बीफ होगा, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट फाड़ू है, मैंने किंग को कभी बीफ करते नहीं देखा, बेला को देखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ की भी खुशी में हूँ कि मैं अगले को देख लूँगा, व्यूज़ भी चोरी हो जाएंगे, घर में मेरे नया डिस्पेंसर आ जाएंगे तो ये सीन है ब्रो, हाँ मिलता रहूँगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी, अगेन ये मैंने एमिनम चचा की पोस्ट उठाई है ब्रो, और सारा ग्रेडिट पोस्ट का उसको ही जाता है, तो हाँ बाबा जी यस कमांडो।